वेलकम बैक टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। टुडे टॉपिक इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन, और आप लोग वीडियो पूर्ण कर देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो आज आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में पार्ट में बताएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको पता होगा कि इसमें एक ओएच ग्रुप होता है। अगर इस पे आरएच एल्किल हैलाइड पे अगर माने KOH एक्वस हो, जली हो, तो क्या मिलेगा? ROH मिलेगा प्लस KX बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Br ले लीजिए, C2H5Br प्लस KOH जली है, जली माने पानी में मिला हुआ है एक्वस, क्या मिलेगा? इसको हीट कर दीजिए, क्या मिलेगा? C2H5OH मिलेगा प्लस KBr मिलेगा। ये थे पहला फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जलीकरण एल्कीन को जल से रिएक्शन करेंगे, इथीन है, इथीन का जल से अभिक्रिया करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा? CH3CH2 इसका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। दोबारा आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, क्या मिले? इथेनॉल मिला और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीनों के जल ईकरण। अब ईस्टर के ईस्टर जानते हैं RCOH होता है, इसमें जल अपघटन किया, क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COO C2H5 प्लस वाटर, क्या मिलेगा? CH3COH प्लस C2H5OH मिलेगा। नेक्स्ट कितना अभिकरण से करेंगे? SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, RMGX का कितना अभिकरण होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, इसमें करेंगे OMG के साथ जाएगा, OMGS बनेगा, RCH2 बन गया, RCH बन गया आपका। यहाँ दोबारा फिर हाइड्रोजन करेंगे, RCH2OH बन गया और MgXOH। दिस इज द प्राथमिक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में एक OH होता है, ये प्राथमिक अल्कोहल बन गया प्लस MgXOH इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। तो ये थे गिकनाड अभिकरण से हम कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं। ईथर के जल पर ईथर जानते हैं ROR जैसे कैसा मिक्स ईथर है कि जल अपघटन करेंगे, जल बाद पानी से रिएक्शन करेंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, क्या मिलेगा? ROH मिलेगा प्लस RHOH, दो डिफरेंट अल्कोहल मिलते हैं इसमें। एल्डिहाइड के अपचेंज RCHO से करेंगे तो क्या मिलेगा? अपचेंज माने हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, क्या मिलेगा? RCH2OH मिलेगा। प्राथमिक एमीन यदि RNH2 प्राथमिक एमीन होता है, अगर नाइट्रस अणु की अभिक्रिया करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी NO2 और HCl, क्या मिलेगा? ROH बन जाएगा एंड नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, वाटर बन जाता है। एल्केनों से एल्केन जानते हैं RH सल्फ्यूरिक एसिड की साथ करेंगे RSOCH करेंगे, दोबारा फिर H2S किया, क्या मिले? एल्कोहल बनेगी। एक प्रिपरेशन थे एल्कोहल के बनाने की सामग्री है अपनी, सुक्रोज से कैसे इथेनॉल बनाएंगे? ये शुगर और केन शुगर पे अगर जल से अभिक्रिया करेंगे इन द इन्वर्टेज आपका फैटली से उत्प्रेरक है, क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, फ्रैक्टोज बनेगा। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह के अगर CHO होता है और इसमें क्या होता है? कीटोन का माने कीटोनिक ग्रुप होता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में आपका CHO होता है, एल्डिहाइड जिसमें होता है कीटोन होता है। अब ग्लूकोज का एक ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का जायमेन की प्रेजेंस में अब घटन इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसे कैसे इंडस्ट्री में हम इथेनॉल को बनाते हैं? इसे आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान विधियां या कि मेथड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो।